पंजाब में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमरिंदर सिंह से पहले उनके वफादार पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता दिल्ली में इकट्ठा हो चुके हैं। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि पंजाब की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इन अटकलों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे भी अब अमरिंदर सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा कि सिद्धू इस इस्तीफे के बाद अब क्या करते हैं। आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने कैप्टन के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था। इन सब प्रयासों के बाद कैप्टन के मीडिया प्रवक्ता का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सिर्फ दिल्ली अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी को ज्वाइन करने। मीडिया इस दौरे को बेकार में तूल दे रही है।